राजन, तुम्हारे लिए एक खत आया है। खत? कोई संबंध आया है? यह कोई मामूली लेटर नहीं है, अच्छी हैंडराइटिंग में है। मेरे प्रिय राजन, मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ आपको। एक खूनी हो जो फेमस नहीं हो। खून के केस में एक जामिन को लेकर इंतजार में बैठा हुआ एक मामूली मुजरिम हो। ये आपके लिए मेरा प्यार और मोहब्बत है। अरे कौन है राजन, कौन है वो? वो मेरी माँ का मेरी बुआ का बेटा है सर। वैसे क्या बात है? वो अपनी मैयत में मुझे बुला रहा है। अरे जो तुम्हारी बुआ का बेटा है वो खुद अपनी मैयत में तुम्हें बुला रहा है? नहीं, ये उसके पिताजी की मैयत में। क्यों ना हम पेशाब करने जाएं? नहीं, मैं मूतने जा रहा हूँ, मूत के आता हूँ अभी। सालों से मैं छाव की तरह तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें ये नहीं पता, मेरे प्रिय राज, तुम्हें इसी नाम से बुलाना पसंद करती हूँ। जब कोई हमें प्यार करता है और इसका पता चलता है, तो ये खुशी हमें और मजबूत करती है, और अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करे तो ये हमें और मजबूत करेगा। तुम्हें और भी मजबूत होना होगा, हिम्मत वाला होना होगा, बेल लेकर तुम्हें बाहर आना होगा। तुम्हारे जमाने में बादशाह के पास डेविड ने जो एक शब्द बोला है, इस बात को राजन मैं तुमसे बोलूं कि प्यार तुम्हें मजबूत करेगा, तो मैं किसी भी रूप में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी माया। ये कौन है? अरे राजन, क्या कर रहे हो? काफी देर से इस खत को लेकर तुम बैठे हो। आखिर क्या है इस खत में जो पढ़कर इतना हंस रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा खत कौन लिखेगा? अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारी आइटम होंगी, उसी में से किसी ने भेजा है क्या? अरे वो तो एक रात की मेहमान थी। अरे लेकिन वो सब तो एक रात की मेहमान थी। अरे उन्हीं में से किसी औरत को ये प्यार वाली फीलिंग आई होगी। अरे प्यार अगर तुझे कमजोर बनाएगा तो तुझे मजबूत बनाने के लिए तेरा साथ दूंगी ना मैं, समझ गए ना? अरे प्यार बोला तो वो बहुत उछलने वाला मच्छी है, फिर चाहे उसे बांगड़ा रहने दो या सुरमई, हमारे लिए तो एक जैसा ही है। अरे बाप रे, ये क्या है? अगर मुझे प्यार शुरू हुआ तो तुम्हारे पैसे का मैं कभी मायने नहीं रखती हूँ, चाहे वो पैसे कितने भी हों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माया, तुम कहाँ हो? अरे आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ, तुम मुंह छुपा रहे हो? अरे देखो कैसे शर्मा रहा है। प्यार है, लेकिन किससे? अरे इससे शर्म आ रही है। आप जाइए सर। सर हाँ, उस दिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। हाँ? जिंदगी भर के लिए इस सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, ये सोचकर घबरा गया था बस। अरे वो कोई बात नहीं सर। हाँ? मुझे जमीन मिलेगी ना? हाँ देखते हैं, प्रोसिक्यूटर बहुत स्ट्रॉन्ग खींच रहे हैं, फिर भी हम एक और अर्जी डालते हैं, तुम इसमें साइन कर दो, तब तक मैं देखता हूँ। ये लो, वहाँ नहीं वहाँ, हाँ यहाँ, यहाँ साइन करना है सर। हाँ वकील सर। हाँ? मैं इंतजार करूंगा। सच कहूँ तो इस तरह से मैं जो इंतजार कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक खास वजह है। रिलीज होने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें कुछ तो हुआ है राजन, आमतौर पर तुम्हें इस तरह बात करने की आदत नहीं है। हाँ? अभी अपने सपनों की दुनिया में जी रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ मेरे से प्यार करने के लिए भी कोई जी रहा है। यही तो अच्छी बात है राजन, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है। वैसे कौन है वो लड़की? माया। माया? हाँ, अभी सिर्फ नाम ही जानता हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में पूरी बात जानती है। मेरा काला गोरा धंधा जानकर भी वो मुझसे प्यार करती है, मैं लकी हूँ। सच कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। बाहर हम लोग खुशी से कैसे रहें यही सोच पाते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है।
अभी मैं ठीक हो जाऊंगा सर, उसने मुझे सिर्फ एक ही लेटर भेजा। अच्छा, है लेटर लिखना भी शुरू हो गया, देखो जरा। अरे सर मैं उसे दिखाऊंगा नहीं, जिंदगी में इतना तो सीक्रेट होना ही चाहिए, बिना सीक्रेट के मजा कहाँ। उस लेटर से पता चल रहा है कितना प्यार करती है वो मुझसे, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। जब मैच्योर होने के बाद बोलेंगे आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। आई नीड यू राज, आई नीड यू। मैं पूरी तरह खो चुका हूं सर, उसकी भाषा में बोलो तो मैं पागल हो चुका हूं सर। जितनी जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी यहां से बाहर निकाल दो सर, उसके बाद कैसे भी करके मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और बुरा काम छोड़ दूंगा। मैं हूं राजा, मैं हूं, ऑल द बेस्ट, चलता हूं मैं। हां तो भावना तुम बहुत देर से यहाँ खड़ी हो, क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही। आज एक मजाक हुआ, अपने वो विलास के खून के इल्जाम में फंसा ना राजन, मैं उसके जमीन के मामले को लेकर जेल में उससे मिलने गया था। वहां पर तो वो पूरी तरह से बदल गया है, बोल रहा है कि उसके लिए किसी लड़की ने प्यार भरा खत लिखा है। उसके बाद? अरे अभी वो आदमी किसी नई दुनिया में है, बोल रहा जमीन मिलने के बाद उसका एड्रेस निकालने के मूड में है वो। वो उस लड़की से पागलों की तरह प्यार करने लगा है, मुझे तो बहुत अजीब लगा। एक आदमी एक एग्रीमेंट की जिंदगी में प्यार के नाम का रिश्ता निभाए, इससे अच्छा है कि पागल होकर एक इंसान से प्यार करता रहे, अच्छा है ना? हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो के आता हूँ। तो फिर पहला तीर सही निशाने पर लगा है, अभी हम खेल को थोड़ा अच्छे से खेलेंगे। लेकिन माया मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, कुछ भी कहो मैं मनोज को धोखा ही दे रही हूँ ना। तो फिर इतने दिनों तक मनोज तुम्हें जो धोखा दे रहा था? मैं नहीं जानती हूँ, पर एक ना एक दिन मनोज को इस बारे में पता चल गया तो? अरे वैसी स्थिति आएगी तब ना, मनोज को जब उस नाजायज संबंध के बारे में पता चलेगा तब उसे फील होगा कि तुम्हें कितना तकलीफ हुआ था। तो फिर मनोज मुझसे नफरत नहीं करेगा? ऐसे में मनोज से हमेशा के लिए खो जाना मुझे सोचना भी मुश्किल होता है। तुम खो जाओगी ऐसा कौन बोल रहा है? तेरे साथ वो कितना गलत किया है उस आदमी को तभी पता चलेगा, बाद में थोड़ा थोड़ा सिंसियरली से वो तुमसे प्यार करने लगेगा। सच बोल रही हो? तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं तुमने बोला तो नहीं। इसलिए फिलहाल हम इस कंफ्यूजन को दूर रखते हैं। तुमने जो खत लिखा है उस खत को लेकर कोई अनजान आदमी तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा होगा, एक अलग सी महसूस हो रही होगी। पहले मजा, फिर बाद में उसे सोचकर और भी मजा, उसके बाद फिर उसे बाद में पता चलेगा कि ये तो एक मजाक था। ऐसे ही तुम्हारा ग्रेजुअल ग्रोथ भी होगा। वो कैसे? अरे अभी अभी तुमने एक बीज को रोपा है, वो बीज बड़ा होकर उसमें फूल खिलकर और भी बढ़ेगा, ये ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ लव। गुनहगार राजन ने जो खून किया है उसको साबित करने के लिए और सबूत की भी जरूरत है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इस बात को कोर्ट संज्ञान में लेती है, फिर भी उस वजह को लेकर तहकीकात पूरा करने तक इंसान को जेल में रखना इंसानियत के खिलाफ है। गुनहगार राजन को इस वजह से जमीन देने के लिए कोर्ट मंजूरी देती है। तुम कौन हो? मैं लिवी हूँ, राजन का साला हूँ, लिवी साला। 3000 फाइन भरवाओ इससे और कोर्ट खत्म होने तक इसको बंदी बनाकर रखा जाए। सर देखो अभी तो सिर्फ जमीन मिली है, बाहर निकलकर कोई दूसरा लफड़ा मोल मत करना। अरे अभी तक मेरे पास एक लक्ष्य है। सब ठीक है, मैं अभी तक जिस जिंदगी को जिया है वो अलग जिंदगी थी, पर उसने मुझे जीना सिखाया है। सिर्फ उस खत ने? तुम लोग ऑफिस जाओ, इसका फीस कितना वो जोड़ के रखो। जाओ जाओ। उसका खत अभी भी आता है क्या? और नहीं तो क्या, अभी तक 6 लेटर मिले हैं मुझे,
पूरे 6 लीटर। ये हुई ना बात, उसे लेकर कोई जानकारी मिली या नहीं तुम्हें? इतना कुछ डिटेल्स तो नहीं मिला है मुझे, लेकिन वो शादीशुदा है। फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। लेकिन तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो, अगर उस लड़के को पता चल गया तब क्या होगा तुम्हारा? वो कैसे बिगड़ेगा सर, मैं उसे मारकर साइड में कर दूंगा, उसके बाद आप संभाल लोगे ना? बोलो, तुम सीरियस बोल रहे हो क्या? अब मुझे क्या करना होगा बताइए। तुम जमीन के मामले से बाहर आए हो, तो अभी बाहर जाकर कोई लफड़ा मोल बंद करना, और वैसे तुम उससे प्यार करते हो तो उसे कहीं भगा कर ले जाओ ना, उन दोनों का डिवोर्स मैं करवाऊंगा और क्या। ओके, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की के पति से उसको भगा कर ले जाओ, और बिना परेशानी के साथ उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। गुड लक।